करते हैं योग, दवा, FMCG, खाने पीने का सामान और रेस्टोरेंट। जी हां, बाबा रामदेव अब रेस्टोरेंट बिजनेस में भी उतर गए हैं। पंजाब के मोहाली में खुला है पतंजलि का पहला रेस्टोरेंट, नाम है पौष्टिक। ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर और पूरे देश के अंदर ये बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का पहला रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में पौष्टिक खाना देने की बात की गई है और इसी वजह से इस रेस्टोरेंट का नाम भी पौष्टिक रखा गया है। भले ही ये रेस्टोरेंट पतंजलि ने पार्टनरशिप में शुरू किया है, लेकिन इंटीरियर से लेकर मेन्यू तक में खुद बाबा रामदेव का दखल है। पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, मेन तालमेल तो यही है। दूसरा, उनकी गाइडेंस से मेन्यू बना, तो आप मेन्यू देख सकते हैं, मेन्यू इज डिफरेंट है बाकी मेन्यूज से। रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही आपको पूरी तरह देशीपन का एहसास होगा। दीवारों पर स्वामी रामदेव और सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की तस्वीरें और भगवा रंग। दावा ये है कि यहाँ मिलने वाला खाना आयुर्वेद पर आधारित है। मेन्यू में आम रेस्टोरेंट में मिलने वाली तमाम चीजें हैं, लेकिन उनमें भी पतंजलि का ही तड़का है। पूरे मेन्यू कार्ड को देखने के बाद ऐसी कोई कमी नहीं खलती कि ये रेस्टोरेंट एक भारतीय रेस्टोरेंट है और यहाँ पर विदेश की कोई छाप नहीं है। खाना बनाने के अंदर क्या क्या जो सामान डाला जा रहा है उसको लेकर भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे क्लोव यानी लौंग खाने में डालने के क्या फायदे हैं, वो फायदे यहाँ पर लिखे गए हैं। और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का दावा है कि इस रेस्टोरेंट में ना सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिए भी काफी पौष्टिक खाना परोसा जाएगा। सेहत का सीधा संबंध साफ सफाई से है, लिहाजा रामदेव ने किचन में साफ सफाई पर खासा ध्यान देने की हिदायत दी है। इतनी खासियतों के बाद भी खाने की कीमत वाजिब रखने की कोशिश की गई है। जाहिर है यहाँ आने वाले लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। इनकी जो कुकिंग है वो तो बिल्कुल होम कुक फूड की तरह है। जितनी भी तारीफ की जाए मतलब एक्सीलेंट, चाहे वो डेजर्ट है चाहे फूड है, मेन कोर्स है। 40 साल मैंने सर्विस की, बाहर खाना पड़ता था, लेकिन ऐसा मजा कभी नहीं आया जैसा आज आया। पतंजलि ने जिस सेक्टर में कदम रखा हलचल मचा दी। क्या बाबा रामदेव पौष्टिक रेस्टोरेंट चेन खोलकर होटल इंडस्ट्री में भी तहलका मचाने को तैयार हैं? चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा।